आज की दौड़ती भागती दुनिया में सब अपने अपने मतलब के लिए भाग रहे हैं। किसी को पैसा चाहिए तो किसी को गाड़ी, किसी के पास दूसरों के लिए समय ही नहीं है। लेकिन इसी फानी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, इंसानियत के धर्म को फॉलो करते हैं। ह्यूमैनिटी इज स्टिल अलाइव पार्ट 2 का ये वीडियो ऐसे ही लोगों को डेडिकेटेड है। हमारा दावा है कि ये वीडियो देखकर आप भी कह देंगे कि इंसानियत आज भी जिंदा है। ये वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिसंबर 2020 में थाईलैंड में एक स्ट्रीट डॉग तारकोल में इस तरह से फंस गया कि सांस लेने के लिए खाली उसका मुंह ही बाहर था। शरीर का बाकी हिस्सा तारकोल के अंदर धंसा हुआ था। कुत्ता जरा भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। निकलने की लाख कोशिशों के बाद थक हार कर ये डॉग निढाल हो गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने क्रेन की मदद से इस लाचार जानवर को वहां से निकाला और रेस्क्यू सेंटर भेजकर इलाज करवाया। हमारा दावा है कि ये वीडियो देखकर आप भी कह देंगे कि इंसानियत आज भी जिंदा है। यहाँ एक बिल्ली की गर्दन इस घर के गेट में ऐसे फंस गई कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और दम घुटने के कारण बिल्ली छटपटा रही थी। आसपास के लोगों को जब इस बात का पता चला तो बिल्ली को वहां से निकालकर उसे नया जीवन दिया। अफ्रीका के जंगल में भीषण गर्मी के दिनों में ये प्यासा हाथी पानी की तलाश में भटकते हुए गड्ढे में गिर जाता है और उसमें फंस जाता है। गड्ढा इतना छोटा था कि नन्ना हाथी हिल भी नहीं पा रहा। कई घंटों तक फंसे रहने के कारण उसे भूख प्यास भी लग जाती है। पास के गांव से कुछ ग्रामीणों ने जब हाथी को यूं तड़पते देखा तो वो मदद के लिए पहुंच गए। सबसे पहले वो इस छोटे हाथी को पानी पिलाते हैं, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। फिर ये गड्ढे का आकार बड़ा करने लग जाते हैं। जब गड्ढा कुछ बड़ा हो जाता है तो लोहे की चैन की मदद से बच्चे को खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। सिर में बाल्टी फंसे होने के चलते ये जंगली भालू कई दिनों से परेशान घूम रहा था। वो न तो खा पा रहा था और न ही कुछ पी पा रहा था। लेकिन जब कुछ भले लोगों की नजर इस पर पड़ी तो उन्होंने वन विभाग की टीम को बुलाया, जिसके बाद टीम ने काफी समय तक भालू को ट्रैक किया। इसके बाद गांव वालों की मदद से भालू के सिर में फंसी बाल्टी को बाहर निकाला। आजाद होते ही भालू जंगल की तरफ भाग गया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 1000 लाइक्स तो जरूर मिलें। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इस बात पर अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। कजाकिस्तान में ये हिरण बर्फीली हवाओं का शिकार हो गया और इसका शरीर बर्फ में जम गया। राह चलते एक शख्स की नजर हिरण पर पड़ी तो इसने हिरण को इस मुसीबत से आजादी दिलानी चाहिए। पहले तो हिरण इंसान को देखकर भागने लगा, लेकिन कुछ ही दूर जा पाया। शरीर पर जमी बर्फ के कारण उसके पैर काम नहीं कर पा रहे थे। मुंह और पैरों से बर्फ हटाकर उसे कुदरत के कहर से निजात दिलाई। वाकई ये दृश्य दिल छू जाने वाला था। ये इंडिया के किसी गांव का वीडियो है, जहां एक गहरे और पतले से गड्ढे में एक बकरी का बच्चा गिर जाता है, जिसे निकालने के लिए एक लड़का गड्ढे में उल्टा लटक जाता है। उसके साथ ही उसका पैर पकड़े रखते हैं। कुछ देर बाद लड़के को खींचकर ऊपर निकालते हैं और लड़का अपने साथ बकरी के बच्चे को निकाल कर ले आता है। इस तरह इस बेजुबान की जान बचा लेते हैं। पूर्वी यूरोप के यूक्रेन के डोनेस्क में जमी हुई कलमियस नदी में एक कुत्ता किनारे से 5 मीटर की दूरी पर फंस गया। कुत्ता बर्फ से जमी नदी के कमजोर हिस्से में फंसा था। ऐसे में उसकी जान का खतरा बढ़ गया। वहां खड़ा एक अनजान आदमी बिना टाइम वेस्ट किए झील में कूद पड़ा। वो नदी की बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। डॉग के करीब पहुंचकर उसके आसपास पड़ी सूखी टहनियों को हटाया और फिर उसे पकड़कर किनारे ले आता है। पंजाब के खेत में एक पक्षी धागों में उलझकर हाई वोल्टेज तारों पर लटक जाता है। पक्षी का पंख इस कदर धागे में उलझा कि टूटने ही वाला था। लाचार पक्षी को देख खेत में काम करने वाले किसान ने अपनी जान की परवाह किए बिना खंभे पर चढ़कर उसे उतारा
और उसके पंख पर उलझे धागों को निकालकर उसे दर्द से निजात दिलाया और उस परिंदे को खुले आसमान में उड़ा दिया। यहाँ दो पेड़ों के बीच एक घोड़ा जिस तरह से फंसा कि निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, घोड़ा निराश होकर खड़ा हो गया। दो लोगों की नजर जब घोड़े पर पड़ी तो ये कटर लेकर पेड़ को काटने लगे। घंटों की मशक्कत के बाद ये लोग पेड़ को काटने में सफल हो पाए और इस लाचार और बेबस घोड़े को मुसीबत से निकाल पाए। जीवों की मदद को तैयार रहने वाले ऐसे लोगों के लिए एक सलाम तो बनता है दोस्तों। प्लास्टिक का यूज प्रकृति के लिए घातक है, ये जानते हुए भी हम इसका यूज करते हैं। समुद्र में हम हर रोज लाखों टन कचरा फेंकते हैं जिसका बुरा परिणाम जीवों को भुगतना पड़ता है। इस कछुए ने फिशिंग नेट को निगल लिया था जिसके कारण उसे सांस लेना और खाना पीना मुश्किल हो गया था, लेकिन इस दुनिया में भले इंसान भी हैं। इन्हीं भले लोगों ने इस टर्टल के मुंह से फिशिंग नेट निकालकर उसे फिर से पानी में छोड़कर उसे एक नया जीवन दिया। दोस्तों, आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में हमें हफ्तों की मेहनत लगती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके अपनी बेशकीमती राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। इंसानियत के कुछ उदाहरण तो उस समय देखने को मिले जब ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में दिसंबर के महीनों में भीषण आग लगी थी। आग लगने के बाद वहां से भागने वाले जानवरों की दिल दहला देने वाली तस्वीरें और वीडियो ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। आग की वजह से करोड़ों बेजुबान राख का ढेर बन गए। ऐसी विकट परिस्थिति में वहां के स्थानीय लोग भी इन जानवरों की मदद के लिए आगे आए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि झुलसे भालू के छोटे बच्चे के हाथों पर पानी डालकर ये महिला उसकी जलन को कम करती नजर आ रही है। एक हिरण कंटीले तारों में उलझा हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वह तारों के ऊपर से कूदना चाहता था लेकिन ऐसा कर नहीं सका। एक आदमी हिरण के पिछले पैरों को उठाता है और धीरे से उन्हें ऊपर उठाता है और उन्हें छोड़ देता है। हिरण इसके बाद आजाद हो जाता है। अजगर इंसानों के लिए कितना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है ये जानते हुए भी इस नेक दिल इंसान ने झाड़ियों में उलझे इस अजगर की मदद कर इंसानियत के अभी भी जिंदा होने का जबरदस्त सबूत दिया। लोहे की सलाखों के बीच एक हिरण कुछ इस तरह फंस गया कि निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन इस बंदे ने जब बेबस हिरण को देखा तो उसे निकालने के लिए सलाखों को काट दिया और फिर पीछे से पूंछ पकड़कर आगे की तरफ धकेला तो हिरण वहां से निकल गया और भाग जाता है। कुछ देशों में व्हेल मछली के शिकार पर बैन होने के बावजूद चंद पैसों के लिए इनका शिकार कर बेच देते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनकी जान बचाने जैसा नेक काम करते हैं। एक व्हेल समुद्र के किनारे आ जाती है। इस बंदे ने इसे वापस पानी में डालकर नेक काम किया। इंडोनेशिया के समुद्र तट पर बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लोगों ने 600 पाउंड के लेदर बैग कछुए को दलदल में फंसा पाया। गांव वालों ने बड़ी जद्दोजहद करके इस विशाल कछुए को धकेलते हुए वापस पानी में छोड़ा। ऐसे लोगों को देखने के बाद ये यकीन हो जाता है कि अभी भी इंसानियत जिंदा है। यहाँ एक विशाल समुद्री कछुआ रेत पर उल्टा हो गया है। इसका वजन इतना ज्यादा है कि वो सीधा नहीं हो पा रहा। तभी ऐसे में इस बेबस कछुए को उसे समुद्र में वापस छोड़ने के लिए वहाँ मौजूद दो शख्स ने पहले उसे सीधा किया और फिर धक्का देकर उसे पानी में छोड़ दिया। इन दोनों शख्स के नेक काम की वहां खड़े लोगों ने खूब सराहना की। दूर तक खाली पड़े मैदान में प्यास से गौरैया तड़प रही है। वह इस कदर प्यासी थी कि उसके लिए उठना मुश्किल हो गया। ऐसे में उसकी जरूरत को एक राहगीर ने समझा और बिना देर किए बोतल के ढक्कन में पानी भरकर उस पक्षी को पिलाने लगा। उसके मुंह में घूंट भर पानी जाते ही वो उठकर बैठ गई। इसके बाद शख्स प्यासी चिड़िया को बोतल से दोबारा पानी पिलाने लगा जिससे उसमें ऊर्जा स्फूर्ति नजर आने लगी और उस नन्ही सी जान के प्राण बच गए। दो बच्चे एक लैमूर की पीठ को सहलाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान जैसे ही बच्चे उसकी पीठ को सहलाना बंद कर देते हैं तो वह लैमूर बड़े ही दिलकश अंदाज में उस बच्चों से उसकी पीठ को सहलाने के लिए इशारा करते देखा जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।